अष्टमी का दिन है, बड़ा शुभ दिन है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। और धर्मशाला जगह है, दो ऐसी टीमें जो अनडिफीटेड है, अभी तक किसी ने हराया नहीं है इनको वर्ल्ड कप में। अब दोनों सामने हैं तो एक टीम तो हारेगी ही उसमें से, और हम सोच रहे हैं ये न्यूजीलैंड होगी। सुरेश रैना हमारे साथ है, मदन लाल जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आपके तो ननिहाल में मैच है सुरेश, धर्मशाला और बहुत खूबसूरत ग्राउंड है, मुझे लगता है कि टॉप 3 में होगा वर्ल्ड के। और मेरी मम्मी वहां से, मैंने हमेशा 50 रन बनाया यहाँ पर, 100 रन फर्स्ट क्लास में बनाया जितना मौका मिला। वो बहुत देवियों का यहाँ बड़ा एक आशीर्वाद है, नहीं यहाँ देवियां बहुत है जी। यहाँ पर आप देखे चिंतपूर्णी ज्वाला देवी, नैना देवी, धर्मशाला से होकर जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज इंडिया वो सिलसिला बना के रखे, क्योंकि 2020 साल से सब एक ही बार जीती है इंडिया न्यूजीलैंड के साथ 2003 वर्ल्ड कप में, उसके बाद से किसी आईसीसी टूर्नामेंट। बिल्कुल, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा मैच होगा और इंटरेस्टिंग होगा किस तरह से आज हम लोग खेलेंगे। अरे सनी भाई भी है और रॉबिन उथप्पा भी है। रॉबिन, ये कुछ नया आपने आज कलाकारी की लगती है अपने बालों के साथ, ये इस मैच के लिए है? नहीं, ये बाल बढ़ रहे हैं तो पता नहीं चल रहा कि इसके साथ करें क्या। नहीं नहीं, खुशकिस्मती है आपकी कि इस उम्र में बाल बढ़ रहे हैं, लोग को कहते जी कम हो रहे हैं। पर बदन जी बहुत मेहनत लगता है इसके लिए। बदन जी, दो दो टीम, मतलब एक अगर इंडिया के इस पूरे अभियान में किसी एक टीम से थोड़ा सा लगता है खटका तो वो है न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि वो परफॉर्म कंसिस्टेंटली कर रहे हैं और एक तो रिकॉर्ड भी रहा है भारत के खिलाफ। अब बिल्कुल देखिए, रिकॉर्ड तो रहा ही रहा है और न्यूजीलैंड हमेशा अच्छा खेलती है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि ये देखिए ये एक ऐसी टीम है जो 100% से भी ज़्यादा देती है। और इनके जो मैचेस जो हुए हैं, पीछे मैचेस जो हुए हैं हमारे साथ, हमेशा इन्होंने हमें टफ टाइम दिया है। इनकी एक बहुत बैलेंसड टाइम जो है वो टीम है, इनके जो बैट्समैन एंड बॉलर्स वगैरह, ये एक और सबसे ज़्यादा खासियत क्या है कि इनकी फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। इनके बॉलर जो बनाने वाले हैं वो फील्डर्स हैं, और आज का मुकाबले में डिसाइड होगा कि ये रिकॉर्ड टूटेगा कि ये नहीं टूटेगा। रिकॉर्ड लगता है कि टूट जाएगा, रिकॉर्ड टूटेगा। हालांकि अगर ओवरऑल भी देखें, अगर आप वर्ल्ड कप्स में, ये सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट 20 साल की बात नहीं है, ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड कप भी देखें तो सिर्फ 3 मर्तबा भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है 10 में से, 2 मैच 1987 में और जो 2003 का आप जिक्र कर रहे हैं जोहानिसबर्ग, एक वो मैच। तो उस लिहाज से बैलेंस की बात कर रहे थे पाजी, एक खिलाड़ी ऐसा है हार्दिक पांड्या जो इस मैच में नहीं है, क्या सुरेश हार्दिक पांड्या का ना होना वो एक बड़ा फैक्टर इस गेम में हो सकता है? जी बिल्कुल विक्रांत पाजी, जिस तरीके से अगर हार्दिक जब नहीं खेलेंगे ना, 2 चेंज करने पड़ेंगे इंडियन टीम को। सूर्य कुमार यादव भी आएंगे और शार्दुल की जगह शामी को भी खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं और ऐसी पोजिशन में खेलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटिंग पोजिशन है। तो मुझे लगता है शार्दुल आज उनकी जगह शामी खेलेंगे और हार्दिक की जगह सूर्य कुमार यादव, कल नेट पे उनके बॉल जरूर लगा हाथ पे। तो राहुल भाई ने वो भी बोला कि ईशान अगर टीम में अगर ऊपर खिलाना है ईशान खेलेंगे, लेकिन मिडल ओवर में अगर कोई प्लेयर हमारे पास है तो वो सूर्य कुमार यादव है। तो आपने सही बोला और पाजी जैसे बात करेंगे, न्यूजीलैंड की टीम बैलेंस है, बस सूर्य को आज चमकना होगा धर्मशाला में। सूर्य को चमकना होगा, सूर्य वैसे चमके भी हुए हैं, पहले कह रहे थे बरसात हो सकती है, बट कम से कम बरसात नहीं, पर धर्मशाला में ठंड की शुरुआत तो हो चुकी है। ठंड हो चुकी, ठंड की शुरुआत वहां पर हो चुकी है। कंडीशंस यानी कि जो बाकी, एक तो आपकी टीम जो ट्रैवल कर रही है गर्म जगह से बिल्कुल ठंडी जगह पर, ये सब चीजें अक्लमेटाइज करना आपको एक देश के भीतर, वरना तो कई कई देश होते हैं जहां पर एक से मौसम में आप निकल जाते हैं। जिस वक्त श्वेता वर्ल्ड कप का शेड्यूल बना था, अनाउंस हुआ था, तो हम सब हैरान थे कि न्यूजीलैंड की टीम को एक वेन्यू में जहां पर आप नहीं खेलना चाहते वो है धर्मशाला, और वहीं पर आप उनको खेल भी रहे हैं, आपका मैच वहीं पर आ गया। नहीं, इसका इसका यही मतलब है ना कि वहां पे एक तो विकेट है ऐसी, और थोड़ा सी अक्टूबर का लास्ट मंथ, अक्टूबर का लास्ट मंथ है, और उसमें क्या है कि यहाँ पे गेंद सीम करेगा, क्योंकि अगर पहले भी जो मैचेस हुए हैं वहां 10-15 ओवर गेंद ने सीम किया, बट वहां ही आपको ध्यान से बैटिंग करनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा टिक के बैटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ऐसे बॉलर हैं जो गेंद को मूव करा सकते हैं, तो वो एक एडवांटेज रहेगा न्यूजीलैंड को भी। और सबसे बड़ा जो आप देखेंगे ना, मैट हेनरी, हम कभी उतनी ज्यादा बात करते नहीं, सीएसके के पार्ट थे उस टाइम, काफी हमारे साथ खेले हैं, लेकिन इन्होंने बड़ा तंग किया 2019 में, इंडिया ने 230 रन बनाया था उन्होंने न्यूजीलैंड ने, ऊपर से 4 विकेट चटकाए। हम हमेशा बात करते हैं फर्गुसन, इशोडी, सेंटनर, फिर अपना बोल्ट, हेनरी को ज्यादा तवज्जो दिया नहीं गया, लेकिन सबसे किफायती गेंदबाज
सबसे जो पाजी बात करें वहाँ जो पीछे बर्फ का टुकड़ा है ना पहाड़ों पे जो वहाँ से डालते ना एक आधी पिघल जाती है। ये आपने अच्छा कहा कि पीछे पहाड़ों का टुकड़ा बर्फ का टुकड़ा वहाँ से पिघल जाती है। जब भी हम एक प्लेयर को रिप्लेस करने की बात करते हैं तो एक एक खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के तौर पर दूसरा खिलाड़ी नहीं देख रहे हैं बल्कि हम एक टीम कॉम्बिनेशन एक विनिंग कॉम्बिनेशन को बदलने की बात भी करते हैं। ये इंडिया को थोड़ा सा इस समय परेशान कर सकता है। मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा परेशान कर सकता है पर मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज है क्योंकि आपको अगर चेंजेस करवाना पड़ रहा है अच्छा है कि इस समय पे करो आप कॉम्बिनेशंस आप ढूंढो ना कि अगर ये अगर से नॉकआउट के समय पे हो जाता है तो वहां पे थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है थोड़ा इफेक्ट भी हो सकता है मान सकता प्लेयर्स के मान सकते पे तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज जब अर्ली हो जाते हैं टूर्नामेंट्स पे ऐसे इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट पे एक्चुअली अच्छी बात है ताकि आप सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस आप एक्चुअली यूज कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। अगर आप नंबर वन आपका नंबर वन ऑप्शन ये हो नहीं सकता है तो नंबर टू ऑप्शन सबसे बेस्ट कंडीशंस के हिसाब से कौन सा है तो मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज है इंडियन टीम के लिए और प्रिपेयर्ड भी लगते हैं क्योंकि जब मैंने राहुल भाई का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था तो लग रहा था कि उनके पास प्लान्स हैं ऑलरेडी तैयार हैं इस मुकाबले के लिए।